हनुमान जी के प्रकट होने के कितने कारण हैं? चार। कितने कारण हैं? बोलिए बोलिए। अब आप लोग ये सुनकर आज बहुत चकित रहेंगे। हम आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर कथाओं को गुरुदेव की कृपा से खोज कर लाए। चार कारण से हनुमान जी प्रकट भए। बताइए कितने कारण? पहला कारण सुनिए, हनुमान जी का प्रकट होने का पहला कारण क्या है? रावण द्वारा एक रुद्र का अपमान करना। रावण ने अपने 10 सिरों को काट कर भगवान शंकर के 11 रुद्रों में 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक रुद्र को कुछ भी नहीं दिया तो वो रुद्र नाराज हो गया। वही रुद्र हनुमान जी बनकर के अवतरित हुए हैं। शंकर जी के 11 रुद्र हैं। कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र। हम लोग कहते ना हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार हैं, बोलते कि नहीं। तो इस प्रकार की कथा है कि रावण ने 10 सिर काट करके 10 बार 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया, लेकिन 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। पर भगवान शंकर तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, वो तो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं थोड़े में नाराज हो जाते हैं। भगवान शंकर तो छड़े रुष्टा है छड़े तुष्टा है, लेकिन भगवान शंकर के 11वें रुद्र ने हनुमान जी का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि रावण ने सबका सम्मान किया, 11वें का छोड़ दिया। ऐसे समझो जैसे मंच पर इतने महात्मा बैठे, हम सबका नाम लें बस लंदन वाले महाराज जी का छोड़ दें, तो क्या होगा? ये दूसरे दिन से एकांत में खूब गाली बकेंगे। और क्या बकेंगे पता? अमीर हो गए, घमंड बढ़ गया, ये उन्हें ज्ञान ही नहीं है, सम्मान करके नहीं जानते। आजकल अभिमान ऊंचे हैं, ज्यादा पॉपुलर हो गए, इसीलिए अब दिखाई ही नहीं देता। बताइए हो जाएंगे नाराज कि नहीं हो जाएंगे? बोलिए बोलिए। हंस वो जरूर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, कैमरा लगा है, तो नाराज हो जाएंगे। अब प्रसन्न हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो बदला लेने की तैयारी करेंगे। यही हुआ कि 10 रुद्रों को रावण ने प्रसन्न कर दिया, पर 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया, तो उसने बदला लेने का विचार किया। और जब राम जी का अवतार हुआ तो शंकर जी को जाना था, तो 11वें रुद्र के तेज से वही 11वां रुद्र अंजनी नंदन हनुमान बन करके प्रकट भए हैं। तो एक पहला कारण ये है हनुमान जी के जन्म का। अब दूसरा कारण सुनिए, दूसरा कारण है भगवान विष्णु को नारद जी का श्राप। किसका श्राप? बोलो बोलो। रामचरितमानस में श्राप दिए नारद जी विश्वमोहिनी के चक्कर में। अच्छा, स्त्री के चक्कर में ही श्राप दिए नारद जी। काम को जीत लिया, भगवान शंकर को बताया नारद जी ने, हमने काम को जीत लिया। शंकर जी बोले हमें बताया सो बताया, दूसरे को नहीं बताना। नारद जी को लगा ये हमसे जलते हैं। कई बार किसी को बढ़िया शिक्षा दो तो उसे यही लगता है कि हमसे जल रहे, इसीलिए ऐसा बोल रहे। तो जो मूर्ख होते हैं उनको सही शिक्षा भी गलत नजर लगती है, गलत बात समझ आती है, और गलत बात सही समझ आती है। प्रायः लीडरों को एक ही दिक्कत है, चाहे वो पार्टी का लीडर हो या आश्रम का लीडर हो या किसी समाज का लीडर हो, उसके साथ एक ही कमी है, वो कान भरने वालों की सुनता है। वही नारद जी के साथ हुआ, काम को जीत लिया,
भगवान शंकर ने रोका नहीं, माने विष्णु जी को बताया तुम्हें पता है हमने काम को जीत लिया। तो भगवान विष्णु तो राम कथा सुनने बैठे थे, नारद जी ने काम कथा सुना दी। भगवान विष्णु ने कहा जय हो, पर भगवान अभिमान किसी का भी नहीं रखते। कोई कितना भी बड़ा सिद्धि वाला हो, प्रसिद्धि वाला हो, भगवान अभिमान ठिकाने लगाते रहते हैं। प्रायः घमंडी आदमी की पत्ते कटते हैं। पतंग कितनी भी ऊंची चली जाए लौट कर तो जमीन में ही आएगी। हाँ जी अनाजी, उसी प्रकार इंसान कितना भी महान बन जाए होगा तो इंसान ही, भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान भी नर बनकर आए, इसलिए जीवों को और हमको तुमको अभिमान नहीं करना चाहिए। जो प्राप्त हो उसे भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। ये भगवान की कृपा है, ये प्रभु का प्रसाद है, ये गुरुदेव का आशीर्वाद, हमारा कुछ भी नहीं है। तो नारद जी को अभिमान आ गया। भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी की रचना की, शादी हुई नहीं। अब बताओ नारद जी को भी शादी का भूत सवार हुआ। इस शादी के लड्डू बड़े खतरनाक हैं। जिनकी हो गई वो भी रो रहे हैं, जिनकी नहीं हुई वो भी रो रहे हैं कि हो जाए। जिनकी हो गई, प्रायः बहुत लोगों को हमने देखा है शादी करने के बाद उन्हें संन्यास की बातें बहुत समझ में आती है। वो समझते इससे बढ़िया तो संन्यास ठीक था। और शादी के ठीक 4-5 महीने बाद उसे एकदम महात्मा याद आता। और जितना जल्दी शादी होने के बाद संन्यास सिर पर चढ़ता है उतना शादी के पहले नहीं चढ़ता। इसीलिए लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप शादी क्यों कर रहे हैं, हमका हमें जल्दी सन्यासी बनना है। अच्छा, शादी बड़ी खतरनाक चीज है, गधे मना कर देते हैं पर इंसान नहीं करता। एक बार हमारे पास एक गधा था, गधा हमारे पास नहीं, एक व्यक्ति के पास, क्योंकि हम गधों के सरताज नहीं है। एक व्यक्ति के पास में गधा था, गधा। उसने अपने गधे को सिखा दिया जो भी पूछो वो हाँ बोलता, उससे कुछ भी पूछो क्यों भगवान मिलेंगे वो कहता था हाँ। गधा तो जानते हो, जानते हो, बोलो। अब बताओ कोई गधा हाँ बोले ऐसा हो सकता? पर काठमांडू के चंगीलाल के पास था, काठमांडू के चंगीलाल के पास ऐसा गधा था जो हाँ बोलता था। लोग जाते थे बोले बताओ क्या हमारे लड़के होंगे, गधा कहता था हाँ। एक बार हम पूर्व जन्म में काठमांडू आए, हमने कहा ये तुम्हारा गधा ना बोलेगा, बोले नॉट पॉसिबल। हमने कहा बोलेगा, बोले नॉट पॉसिबल। हम उसके कान में गए, कुछ बुदबुदाए, गधा तुरंत बोला ना। तो हमारी लगी थी शर्त, जिसका गधा था, जो गधे का मालिक था उसे पक्का भरोसा था कि गधा ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। और हमने कहा गधा ना बोलेगा, बोले कैसे? हमने कहा बोलेगा। गधे का मालिक बोला अगर ना बोल जाएगा तो हम 20,000 नेपाली देंगे, हमका 10,000 भी देना चलेगा। और जहां हमने कान में कुछ बुदबुदाया गधा ना बोला, मुस्कुराते हुए गधे का मालिक बोला कि ये आपने क्या बोला, जो गधा ना बोला ये आपने कान में क्या बोला? हमने कहा हमने और कुछ नहीं बोला, गधे से पूछा शादी करोगी। अब बताओ गधे भी ना कर देते। ये जो है व्यंग हमारा नहीं है, आचार्य रजनीश ओशो जी का व्यंग है। तपोवन के श्री अरुणानंद जी स्वामी जी बैठे हैं तो उनको हम ये अवगत कराना चाहते, ये आचार्य जी का ही व्यंग है। तो बताओ गधे मना कर देते हैं, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई वो घूम रहे। एक हमको यहां मिला सुनसरी जिला का मंगूलाल, उम्र 77 साल, 77 पार 78 में चल रहे हैं। हमने कहा और बताओ अर्जी क्या है, हम पर्चा बना रहे थे। बोले घर बस जाए। हमको हार्ट अटैक आ गया। हमका इस समय में, जिस उम्र में तुम हमारे पास अर्जी लेके आए, इस समय में तो तुम्हें शमशान घाट बुक करना चाहिए।
तुम मैरिज हाउस बुक करवाने आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मन से? तो उसने उत्तर भी इतना खतरनाक दिया कि हम चुप हो गए। बोले विदेशों में तो 95 साल में भी कर लेते हैं। हम कहा कर लेते हैं, पर ये विदेश थोड़ी है, नेपाल देश है, विदेश थोड़ी है। ऐसे ऐसे भी पृथ्वी पर लोग हैं। खैर शादी करना बुरा नहीं है, करना चाहिए, जिनकी नहीं हुई वो हमें बताना, हम अर्जी लगाएंगे। लेकिन हम फिर वही कहेंगे शादी बड़ी खतरनाक है। शादी के बाद आती है श्रीमती, जिनकी श्रीमती आ जाती उनकी अपनी मती खराब हो जाती है। तो नारद जी को शादी का भूत सवार हुआ, शादी करना है। भगवान विश्व मोहिनी ने, भगवान विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी की लीला की और सुंदर राजकुमार के साथ, भगवान श्री हरि के साथ ही विश्व मोहिनी रूपी जो माया रूपी बनी थी शादी हो गई। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, हमको वानराकृति दे दी, बंदर मुख दे दिया। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जैसे आपने हमारी हंसी करवाई वानराकृति देखकर, देकर बानर का मुख देखकर, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, रामचरितमानस की कथा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी मदद भी तुम्हारी पत्नी के हरण के बाद बानर ही करेंगे। रामायण में वर्णन आया, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। सहाय तुम्हारी, भगवान शंकर ने विचार किया कि नारद जी का श्राप है तो सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे, पर सहायता तो बानर ही करेंगे। राम जी रघुनाथ जी जब नर बनकर के नारायण भगवान राम बनकर के जाएंगे, तब भगवान शंकर ने विचार किया हम भी बानर बनकर के जाएंगे। दूसरा कारण बंदर बानर बनने का ये भी है, बोलो सीताराम। तीसरा कारण सुनो, आहा, तीसरा कारण है बानर राज केसरी को ऋषियों का आशीर्वाद। हाँ, बानर राज केसरी जी महात्माओं के पास गए, महाराज हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, उपाय बतलाओ। संतों ने भगवान शंकर का मंत्र दे दिया, इस भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही शिव आराधना केसरी बानर राज श्री केसरी जी ने की, तो भगवान शंकर प्रकट भए और वरदान देते हुए कहा, जाओ तुम्हारे घर पर हमारा अंश ही प्रकट होगा। उस वरदान के कारण भगवान शंकर बानर बने, इसलिए शंकर सोहन केसरी नंदन,
शंकर भुवन केसरी नयन निज प्रताप महाजगवंदन प्रताप महाजगवंदन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम गाइए जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब चौथा कारण सुन लीजिए, मां अंजना को श्राप मिला। पूर्व में यह पूर्व जन्म काल में माता अंजनी एक अप्सरा थी, पुंजक स्थला, लेकिन दो जगह अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं इस कथा के। एक जगह वर्णन प्राप्त हुआ, इंद्र के श्राप के कारण यह वानरी बनी, एक जगह ऋषियों के श्राप के कारण वानरी बनी। ऐसी दो कथा मिलती है। तो ऋषियों के श्राप वाली कथा को हमने स्पष्ट माना। यह माता अंजनी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी थी, बड़ी दिव्य लगती थी, पर बड़ी चंचल थी। चंचल स्वभाव के कारण एक दिन ऋषियों का अपराध हो गया, बर्तन आदि गिर गए, और ऋषियों के अपराध को बिना ऋषियों से क्षमा मांगे चलने लगी। तो ऋषियों को आवेश आ गया कि तुम रूप से तो बड़ी सुंदरी हो पर काम बंदरिया जैसा करती हो, जाओ हमारा श्राप है तुम बानरी हो जाओ। पर माता वह अप्सरा रोने लगी, वही युवती रोने लगी, हमसे भूल हो गई क्षमा करो। तो संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधू, संतों को दया लगी। ऋषियों ने कहा देवी रो मत, जाओ तुम बानरी तो बनोगी पर तुम्हारे घर पर ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारी कोख को अजर अमर कर देगा और स्वयं भी अजर अमर होगा। यह ऋषियों का वरदान पा करके, श्राप और वरदान पा करके दूसरे जन्म में वह अंजनी माता अंजना बनी। जन्म हुआ, वानर राज से केसरी से विवाह हुआ, और इनके ही घर पर हमारे सरकार प्रगट भई। प्रगट कैसे भय? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, वशिष्ठ जी ने बुलाया। कहां? अयोध्या में। जब दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ के लिए बुलाया। देखो यहां भी यज्ञ हो रही है। यज्ञ बहुत आवश्यक है वर्तमान में पृथ्वी पर। पूछो क्यों? अन्नात भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भव। यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से बादल बनते, बादल से वर्षा होती, वर्षा से अन्न उगता है, अन्न से जीव तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, और भूख क्षुधा से अतृप्त व्यक्ति तृप्त होते हैं। इसलिए यज्ञ प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने की बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। इसलिए यज्ञ ज्ञान भी है और यज्ञ ज्ञान का विज्ञान भी है। इसलिए पूज्य महाराज जी 101 कुंडी यज्ञ नेपाल की इस धरती पर करा रहे हैं।
इतना बड़ा यज्ञ नेपाल में तो संभव नहीं है। आप विचार करो, यज्ञशाला देखो, इतनी बड़ी यज्ञशाला। हम पूछ रहे थे महाराज जी को, महाराज जी ये सामान कहां से आया, यहां नेपाल में मिल जाता है? मुस्कुराते हुए बोले, ये नेपाल से नहीं, मथुरा से आया है। भारत कितना कठोर परिश्रम, कितनी कठोर स्थितियों में, इतनी विकृत स्थितियों में भी 12 वर्ष कुंभ का लगने वाले इस पावन तीर्थ में चतरा धाम पर पूज्य महाराज जी यज्ञ करवा रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों को रोज यज्ञ की परिक्रमा करनी चाहिए। बोलो, यज्ञ नारायण भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलो, रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान जी प्रकट कैसे भए? जब वहां यज्ञ हुई अयोध्या में, राम जी के प्रकट होने के लिए दशरथ जी ने की, तो अग्नि देव चरु प्रसाद खीर लेकर प्रकट भए। महाराज दशरथ ने उस खीर के पात्र को आधा खीर कौशल्या माता को दे दिया, आधे में से आधे दो भाग किए, एक भाग कैकई को दिया। उसी समय एक गृद्ध चील वहां से उड़ती जा रही थी, उसने कैकई के हाथ पर खीर का प्रसाद खाने का देखा पत्तल में। उस गृद्ध ने, उस चील ने एक झपट्टा मारकर कैकई के हाथ से वह खीर के पात्र को छुड़ा लिया और उड़कर चली गई। कैकई माता रोने लगी। तब कौशल्या जी ने अपना थोड़ा भाग और थोड़ा चरु जो पात्र था उससे प्रसाद खीर का निकाल कर पुनः कैकई को दिया। वह गृद्ध चील वो खीर का पात्र लेकर खाने के लिए अयोध्या से दौड़ी दौड़ी त्रिकूट पर्वत, वेंकटाचल पर्वत तक पहुंच गई, जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। तब तक पवन का झोंका लगा, उस चील के हाथों से वह पात्र छूट गया, माता अंजनी के हाथों में आ गया। उस खीर के प्रसाद को भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने पा लिया। तो इधर कौशल्या उस खीर से राम जी को प्रकट करती, कैकई भरत जी को प्रकट करती और शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया प्रकट करती। उधर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी माता हनुमान जी को प्रकट करती है। इस प्रकार हनुमान जी राम जी के ही भाई हुए। किसके भाई हुए? बोलो बोलो बोलो। इसीलिए हमने वर्णन किया, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया और हमने भी कहा, सबने कहा, तुमने भी गाया, क्या हनुमान जी अपने मुख से कहते हनुमान जी के लिए, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। हनुमान चालीसा में चौपाई आई, भाई रघुपति की।
रघुपति की भी बहुत बड़ाई, रघुपति की भी बहुत बड़ाई, रघुपति की भी बहुत बड़ाई, बहुत बड़ाई, की भी बहुत बड़ाई। बाजे बाजे रे बधैया, बाजे बाजे रे बधैया, बाजे बाजे रे बधैया, बाजे बाजे रे बधैया, बाजे रे बधैया, बाजे बाजे रे बधैया, बाजे रे बधैया, बाजे बाजे रे बधैया।